नेशनल यूथ स्पोर्ट्स लीग है, इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर का विजन क्या था। खातिन हज़रात, मैं आपको बताता चलूं कि पूरे मुल्क में एक टैलेंट हंट प्रोग्राम किया गया सूबाई सतह पर, जिलाई सतह के ऊपर, जिसमें प्रोविंशियल लीग का इनेकाद किया गया और उस प्रोविंशियल लीग के मुकाबला जात से जो टीम्स हमारे सामने आई हैं उनको नेशनल कैंप के अंदर ट्रेनिंग उनकी दी गई और आज फॉर्मली नेशनल लीग को इनॉग्रेट किया जा रहा है। तीन स्पोर्ट्स थी, वॉलीबॉल, फुटबॉल और पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी। मैं चाहूंगा कि हमारे चारों सूबों के और दीगर जो हमारे यूनिट्स के कंटिंजेंट्स आपके सामने आएंगे और मार्च पास्ट करेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे खिलाड़ी इस वक्त ट्रैक के ऊपर मार्च पास्ट करते हुए गुजरेंगे। मैं चाहूंगा कि आप भरपूर अंदाज में वेलकम कीजिएगा। ये वो क्रीम है हमारे खिलाड़ियों की, हमारे स्पोर्ट्स पर्सन की, जो एक ट्रांसपेरेंट तरीके से नेशनल लेवल के ऊपर आए हैं। और ये प्लेयर्स, इनमें से बहुत से प्लेयर्स ऐसे हैं जो नेशनल हॉकी और जूनियर हॉकी में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी कर चुके हैं और आगे भी इंशाल्लाह ऐसे प्लेयर्स आएंगे जो कि पाकिस्तान को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करेंगे। टाइम फॉर द मार्च पास्ट। इस पर खातिन हज़रात, आपके सामने हमारे खिलाड़ी जो है मार्च पास्ट करते हुए गुजरेंगे। आप इनको भरपूर अंदाज में वेलकम करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये पाकिस्तान का फ्यूचर है। इस वक्त पाकिस्तान का कौमी झंडा उठाया हुआ है सदर अब्बास ने। सदर अब्बास पाकिस्तान के तेज तरीन एथलीट है। खातिन हज़रात, इन्हीं खिलाड़ियों में से इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है। सदर अब्बास इस वक्त पाकिस्तान का फ्लैग उठाए मार्च पास करते हुए गुजर रहे हैं। उरूज साहिब, एसीसी का फ्लैग उनके हाथ पे है और बलूचिस्तान हमारे मुल्क का सबसे बड़ा सूबा रकबे के एतबार से बलूचिस्तान के खिलाड़ी खातिन हज़रात का पूरा अंदाज में स्वागत करते हैं। फुटबॉल, हॉकी और वॉलीबॉल के ये स्पोर्ट्स पर्सन आपके सामने, कौम की बेटियां और बेटे, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। ये हकीकी ट्रांसफॉर्मेशन है लेडीज एंड जेंटलमैन। हमारे फुटबॉल प्लेयर्स, सॉकर प्लेयर्स, वॉलीबॉल प्लेयर्स और हॉकी के प्लेयर्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, हॉकी को हमने रिवाइव करना है। ये हमारा कौमी खेल है और खास तौर पर वो जो पाकिस्तान की अजमत रफ्ता है उसको हमने रिस्टोर करना है और यही हमारा विजन है। और अब खैबर पख्तूनख्वा के खातिन हज़रात मशहूर खिलाड़ी इस वक्त सलामी के चबूतरे से गुजर रहे हैं। Thank you.
भी यहाँ से गुजर रहे हैं, नेशनल फ्लैग, एजेसी फ्लैग और फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, बाकी हमारा ईमान है कि कोई रोनाल्डो, कोई मेसी इन्हीं खिलाड़ियों में से पाकिस्तान के सब खिलाड़ी परचम को बुलंद करेगा, कोई इंग्लिश प्रीमियर लीग में नुमाइंदगी करेगा, इंटरनेशनल लीग के अंदर नुमाइंदगी करेगा। साथी नौजरान, आपके सामने इस वक्त वॉलीबॉल के खिलाड़ी गुजर रहे हैं। वॉलीबॉल में भी एशियन लेवल पर हमने बहुत रूल किया एक वक्त था, हमारे खिलाड़ी मजर फरीद साहब मुझे याद है, बिल्कुल वो यंग बहुत अच्छे स्मैशर थे, स्मैशेज उनकी बड़ी मशहूर थी। और ये वॉलीबॉल के प्लेयर्स इस वक्त गुजर रहे हैं, खातिन हजरात हॉकी के प्लेयर्स, हॉकी हमारा कौमी खेल है और हमें कोई शहबाज सीनियर इंशाल्लाह इन्हीं खिलाड़ियों में से निकलेगा। हमारी फीमेल हॉकी भी रिवाइव होगी, मेल हॉकी भी रिवाइव होगी इंशाल्लाह, और ये लोग पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे इंटरनेशनल सीन में। बाकी हजरात इस वक्त मैडम साहबा फातिमा आप देख सकते हैं, राना मजूद साहब, इन लोगों ने बहुत मेहनत की है, इस टैलेंट हंट प्रोग्राम को नेशनल लेवल पर मुनक्किद किया है और दिन रात लिटरली, और खास तौर पे मैं मुबारकबाद भी पेश करना चाहूंगा मैडम शाहजा फातिमा को, ऐबर पख्तूनख्वा के एक और हमारा कंटिंजेंट, ये फुटबॉल का दस्ता इस वक्त यहाँ से गुजर है लेडीज एंड जेंटलमैन, और लाहौर पाकिस्तान का दिल है और इस्तकबाल करता है अपने मेहमानों को, काफी हजरात पर फुटबालियों में इस्तकबाल करें अपने मेहमानों का। ये फुटबॉल मेल इस वक्त इनका कंटिंजेंट यहाँ से गुजर है, इनके कोचेज अपनी कैप्स को हवा में बुलंद करके आपकी मोहब्बतों को रेस्ट